अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम जा रहे हैं गाड़ी की छत रैप करवाने, साथ में पीछे की जो ये स्क्रीन है ना, इसके ऊपर टिंट हुआ 100% जेट ब्लैक। तो वो एक साल हो गया उसको तकरीबन, तो वो अभी ना काफ़ी फेड हो गया, मतलब वो जेट ब्लैक नहीं रहा। तो वो हमने दोबारा चेंज करवाना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, काम शुरू हो गया सारा और जो रैक चूज़ किया मैंने, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैंने कोशिश की थी, मैं ट्राइपॉड लेके आया था, मैंने कोशिश की थी कि यार एक टाइमलेस बन जाए, पूरी 30 से 40 मिनट का काम होता है, तो मैंने कोशिश की थी टाइमलेस बन जाए पूरी इंस्टॉलेशन का, छत रैप होने का। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह नहीं थी साइड्स पे और लोग भी काफ़ी आ जा रहे थे, वो सही तरह बननी नहीं थी, सही तरह ट्राइपॉड खड़े करने की जगह नहीं थी। छोटी छोटी क्लिप्स ही हैं, आप इन्हीं को देखें और इन्जॉय करें। माशाल्लाह वैसे पीछे से क्या लग रही है गाड़ी, बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसमें छत के लिए दो मटेरियल्स हैं, एक इन्होंने ये दिखाया है, ये लेमिनेशन वाला है, ठीक है, और एक ये सिंपल था विदाउट लेमिनेशन, वो इसमें से था मेरे ख्याल से, नहीं ये तो वही है, ये वाला, ये विदाउट लेमिनेशन है। तो उसके ऊपर स्केचेस पड़ जाते हैं लगाते लगाते, उसके ऊपर नहीं पड़ते। फिर लेमिनेशन वाला ही चूज़ किया हमने ताकि थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन ये है कि ज़रा लुक अच्छी आएगी। ये नंबर प्लेट डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल सा है, डिसेंट सा है, और मैं अपनी गाड़ी के लिए बनाना चाह रहा हूँ। मैं ज़रा ओरिजिनल डिज़ाइन से ना काफ़ी बोर हो गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि हाँ मुझे ये बनाना चाहिए या फिर नहीं। ये एक नई स्विफ्ट भी आई हुई है, इसके भी रिम्स रैप हो रहे हैं, ओरिजिनल रिम्स हैं, तो इसके भी जब रैप होते हैं मैं आपको फिर रिम्स की ज़रा फिनिशिंग चेक कराता हूँ, लुक चेक कराता हूँ। अभी सनरूफ की बारी है। सनरूफ में ये होता है कि आपको सनरूफ खोल के साइडों से जो उसका बॉर्डर होता है उसको अपने रैप को अंदर की साइड पर बेंड करना होता है, अंदर की साइड पर फोल्ड करना होता है, ताकि जो है ना आपको ये वाइट वाइट बॉर्डर नज़र आए रूफ का। अच्छा जी दोस्तों, तो रैप बिल्कुल मुकम्मल हो गया। अब इसके ऊपर से लेमिनेशन उतारेंगे, आप ये चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा लेमिनेशन का पीस उतारा और आप रिफ्लेक्शन चेक करें। ये हाल होता है अगर आप लेमिनेशन ना होती तो सारे जो स्केचेस हैं लगाने के वो रैप के ऊपर जाते, तभी रैप होता जाएगा, बिल्कुल शीशा पीस होगा नीचे से। अभी जो टेंट की बारी है, टेंट में ये था कि मेरा एक साल से लगा हुआ था ये टेंट और बाहर लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये काफ़ी थिन हो गया था, कोई हाथ से उतर नहीं रहा था। फिर हमने ये जो ब्लेड है ये यूज़ करना पड़ा, इससे ये है कि ज़रा आसानी से उतर रहा है। स्विफ्ट का एक रिम कंप्लीट हो गया और आप इसकी लुक चेक करें, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, बड़ी आसानी से रैप जो इसके ऊपर बैठ गया, स्ट्रेट रिम था ना इसलिए। अब्दुल्ला भी आ गया, उसने भी अपनी गाड़ी का काम कराना था, उसने जो अपनी फ्रंट ग्रिल ये रैप कराई थी, सेम जो टर्बो में आती है ना क्लॉस ब्लैक जेट ब्लैक वो ली, उस तरह की रैप कराई थी, सेम मटेरियल इस्तेमाल होगा जो मेरी रूफ पे इस्तेमाल हुआ है। टेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस इसकी साइडों से कटिंग हो रही है और इसकी जो लाइट की कटिंग है बीच में से वो होगी। मैं वहाँ से अब्दुल्ला की गाड़ी लगा रहा था तो साथ साथ ही इन्होंने यहाँ पे इसकी रख के फिटिंग कर लिया, मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका। इसमें ये होता है कि पहले आपका जो टेंट होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना, उसको कर्व इस शीशे के ऊपर रख के हीट गन से उसकी शेप बनाते हैं प्रॉपर कर्व में, जैसे स्किन की कर्व होती है, और फिर इसको उसके ऊपर लगा देते हैं। बस ये तकरीबन कम्प्लीट हो गया, जाके किसी देखते हैं वो कितनी रैप हुई है। तो ग्रिल रैप हो गई है पूरी और बस अभी इसके ऊपर से लेमिनेशन होते नहीं है, बाकी ये बिल्कुल कंप्लीट है।
अभी गाड़ी धोई है और आप शाइन चेक करें, बस पे अभी मैंने कोई वैक्स वगैरह कुछ भी नहीं मारी और आप बस अल्हम्दुलिल्लाह शाइन चेक करें। ऊपर ये रैप था, ठीक है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, काफ़ी गंदा वगैरह था, बारिश भी हुई थी तो उसकी वजह से मैंने गाड़ी धोनी पड़ी ताकि आप लोग सही बात चले, लेकिन ब्लैक के ऊपर ना मट्टी बहुत पड़ती है और सही तरह पता चल रहा है। रैप है और फुल ग्लॉस में है, इसके ऊपर लेमिनेशन थी वो भी उतारी थी, और ये पीछे जेट ब्लैक जो है ये हमने रैप ये किया है, टिंट हुआ है, ठीक है। जो रैप की कॉस्ट थी वो मैंने आपको बताई थी 3000 रुपीज़ पड़ी है, और जो ये टिंट है, टिंट मैंने ये बाहर से करवाया है और ये सिंगल पीस में कराया है, ये मुझे इसकी 1000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ी है। इसको आप अंदर से भी करा सकते हो, लेकिन अंदर से करा के ना आपको जैसे ये लाइन्स नज़र आ रही है ना, ये लाइन नज़र आती हैं तो वो ज़रा थोड़ा सा अजीब लगता है। और दूसरा ये है कि मेरे जो इस साइड पर ऊपर ना स्क्रैचेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं, तो उसकी वजह से मुझे यह बाहर ही लगवाना पड़ता है। तो हर कुछ ऐसे बात चेंज करवाना पड़ता है, कोई मसला नहीं है वैसे, लेकिन पीछे से गाड़ी मुझे थोड़ी सी ऊंची लगती है, तो ये मैं कुछ कह रहा हूँ पिछले वाले लोगों से ना थोड़े से कटवा लूँ, चेंज तो नहीं हो सकते, तो मैं सोच रहा हूँ उसको कटवा लूँ। आगे से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ये मैंने अभी जो ना आगे मैंने टायर पॉलिश लगाई है और पीछे नहीं लगाई, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, फ़र्क चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा ना डल ब्लैक है, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा शेड है, थोड़ा सा ना अच्छी लुक नहीं आती, लेकिन उसमें जाना ये फुल जेट ब्लैक। अब टायर शाइन भी चेक करें, अच्छी लुक आती है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, ये मैं काफ़ी अच्छे इस्तेमाल करता हूँ, इसकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है टायर जेल, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, अगर बारिश वगैरह हो तो वो तो खैर मसाला, तो गाड़ी भी गंदी होती है, टायर तो फिर ज़मीन पर चलने हैं, लेकिन वैसे अगर आपने नॉर्मल गाड़ी धोई है, क्योंकि ड्राई वेदर है, अगर बारिश वगैरह का सीन नहीं है या बारिश कीचड़ वगैरह नहीं है, तो आप आराम से चलाएँ, अच्छे सड़कों पर चलाते हैं तो टायर को कुछ भी नहीं होता, टायर से ही गाड़ी की लुक बहुत पड़ती है। आप माशाल्लाह गाड़ी पर शाइन चेक करें, ज़बरदस्त। जो दोस्त की गाड़ी थी उसकी भी मैं आप लोगों के पिक्चर सामने लगाया था, ये इसकी लुक बनी थी और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी, काफ़ी जो है ना जो टर्बो वाली होती है ना वैसी लुक आई है और बड़ी ज़बरदस्त लुक बनी है। और इसकी प्राइस थी टोटल 1500 रुपीज़ की फ्रंट ग्रिल रैप हुई थी और बाकी 500 के पीछे वाले ग्लास। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी गाड़ी की लुक अच्छी लगी होगी, ब्लैक रूफ के साथ जो है गाड़ी की लुक जो बनी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने आपको इस वीडियो में सारी प्राइसिंग वगैरह भी सारी बता दी है, ग्रिल रैप की प्राइसिंग मैंने सारा कुछ बता दिया, और ये मैंने जहाँ से करवाई थी वो रिजवान भाई से करवाई थी, रिजवान भाई का आपको पता है अलमशहूर रिजवान भाई जो हैं जॉर्डन वाले हबीबियन वाले, उनसे करवाई थी। और अगर आपके दिमाग में कोई नई मॉडिफिकेशन या कुछ आप अगर देखना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप वो भी आप वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, आने वाले किसी दिन में हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। ओके जी, अल्लाह Oh,